कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सोमवार को नया खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस द्वारा सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सेक्शन 306 और 498 ए के तहत दाखिल चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 306 के तहत शशि थरूर पर सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा घरेलू हिंसा यानी पत्नी के साथ क्रूरता की धारा 498 ए का चार्जशीट में उल्लेख किया गया है। शशि थरूर ने इस चार्जशीट को गलत बताते हुए इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही है। शशि थरूर ने दो ट्वीट कर इस मामले में अपना पक्ष रखा है। थरूर ने लिखा है कि जो कोई सुनंदा को जानता था उसे यह बात पता है कि अकेले मेरे उकसाने से वह खुदकुशी नहीं कर सकती। शशि थरूर ने कहा कि 4.5 साल बाद जाँच के बाद दिल्ली पुलिस का ऐसे नतीजों पर पहुँचना उसकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। थरूर ने दावा किया कि 17 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में लॉ ऑफिसर ने बताया था कि इस केस में उन्हें किसी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब 6 महीने बाद वे कह रहे हैं कि मैंने खुदकुशी के लिए उकसाया था। यह अविश्वसनीय बात है।